अंधेरे में पढ़ाते शिक्षक, कब्रिस्तान में स्कूल, ये सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन ये बिहार के मधुबनी जिले की एक सच्चाई है। यहाँ के अंद्राठारी प्रखंड के हरना पंचायत में स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय की हालत ऐसी है कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर इस स्कूल में 475 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई का ठिकाना कोई क्लासरूम नहीं बल्कि कब्रिस्तान और मस्जिद के बरामदे हैं। स्कूल के पास सिर्फ दो छोटे छोटे कमरे हैं, जिनमें से एक कमरे को कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और दूसरे में मिड डे मील का सामान रखा जाता है। मैंने मिस मोहम्मद रगर में वर्ग में चौथा क्लास, हम लोगों को कब्रिस्तान के कब्र पास पढ़ते हैं और खाना भोजन भी उसी के पास करते हैं। बाथरूम लगता है तो घर जाते हैं, और धूप लगती है तो बहुत दिक्कत पड़ती है, बारिश होती है तो छुट्टी हो जाती है। मैंने मुझे मोहम्मद सलमान वहाँ पढ़ते हैं, चौथा में नीम गाछ के पास बैठते हैं, कुछ बच्चे सड़क पर बैठते हैं, लेटिंग लगता है तो घर पर जाते हैं। यहाँ पढ़ाई की स्थिति इतनी दयनीय है कि बच्चे कब्रिस्तान में मस्जिद के बचे हुए जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं, कभी सड़कों पर तो कभी मस्जिद के बरामदे में, जहाँ जगह मिली वहीं पढ़ाई शुरू हो जाती है। स्कूल के प्रिंसिपल जगन्नाथ पासवान भी इसे लेकर काफी चिंतित हैं। वो बताते हैं कि स्कूल में सुविधा की बहुत कमी है, कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। मेरा नाम जगन्नाथ पासवान, प्रभारी प्रधानाध्यापक, राजकीय उत्कर्ष मध्य विद्यालय हरना उर्दू, प्रखंड अंद्राठाड़ी। समस्या यह है, मेरे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ रूम दो ही है, बच्चे की 1 से 8 तक पढ़ाई होती है, नामांकन छात्र छात्रा है 295 है, और यहाँ बैठने का बहुत दिक्कत होता है। 2 रूम है और 4 फीट जो है नीचे हो गया है रोड से नीचे, बरसात में पानी रूम में चला जाता है, गर्मी में दिक्कत होता है, खाना बनाने के लिए जो है बरामदे पर खाना बनाया जाता है, और बच्चे सबको मस्जिद गेट पर और नीम बगल के नीम के पेड़ के नीचे रोड के किनारे बैठाते हैं, काफ़ी कठिनाई होती है। कब्रिस्तान के बगल में रोड है, उस पर बैठा कर खाना खिलाना पड़ता है। कब्रिस्तान में एक नीम का पेड़ है, उसके नीचे भी बैठ कर पढ़ाना पड़ता है, 2-3 क्लास को वहाँ बैठाना पड़ता है। गर्मी में जो है काफ़ी परेशानी होती है, अगर अधिक जोरों की बारिश होती है तो बाहर वाले बच्चे को छुट्टी देना पड़ता है। और शौचालय जो है यहाँ नहीं है, 3 लेडीज है यहाँ शिक्षिका, बीपीएससी वाली आई है, उसको काफ़ी परेशानी होती है बाथरूम के जाने के लिए, पड़ोस के यहाँ जाना पड़ता है महिला टीचर को। स्कूल में पढ़ाने वाले 9 शिक्षक भी कठिन परिस्थितियों में काम करने को मजबूर हैं। खुले आसमान के नीचे, सड़कों पर और कब्रिस्तान में नीम के पेड़ के नीचे कुर्सी लगाकर पढ़ाना पड़ता है। ना बच्चे के लिए कोई ठीक से बैठने की जगह है और ना ही शिक्षकों के लिए कोई सुविधा है। महिलाओं के लिए स्थिति और भी कठिन है, क्योंकि शौचालय की कोई व्यवस्था ही नहीं है, उन्हें शौचालय के लिए पास के आवासीय परिसर में जाना पड़ता है। मेरा नाम सहना खातून, इसी स्कूल में रहते हैं, खाना बनाते हैं, और खाना बनाने में बहुत दिक्कत है, रोड सड़क पर बच्चा को खिलाना पड़ता है, कभी कभी भी पानी लेकर को आते हैं तो हम लोग गिर भी जाते हैं ऊंचा नीचा, बहुत है दिक्कत हम लोग को, गर्मी से ऐसे परेशान है। बच्चा लोग भी इसी में रहते हैं, इसी में बरंदा पर खाना बनाना पड़ता है, लमसम 300 बच्चा का खाना बनाना पड़ता है, इतना ही सा जगह में बच्चा भी पड़ता है, थोड़ा सा जगह में खाना भी बनाना पड़ता है, इतनी जगह में गैस भी रहता है, बच्चा भी रहता है, डर भी लगता है खाना बनाने में, जो बच्चा को कहीं गैस में कुछ हुए तो बच्चा भी, हम लोग भी डर है, डर डर को खाना बनाते हैं। 2014-15 में स्कूल के लिए भवन निर्माण के लिए 7 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन जमीन की कमी के चलते ये पैसा वापस कर दिया गया। अब इस स्कूल के लिए नए भवन और सुविधाओं की सख्त जरूरत है। सर, मेरा नाम अंजू यादव है और मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरना उर्दू की 6-8 की अध्यापिका हूँ, और यहाँ मतलब प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, कि पहली बात तो है कि यहाँ पे क्लासरूम की बहुत कमी है, 2 ही क्लासरूम है और बच्चों को मर्ज करके पढ़ाना पड़ता है। इस क्लास में तो हम 5 और 6 को मर्ज करके पढ़ा रहे हैं, बगल वाला जो क्लासरूम है उसमें 7 और 8 मर्ज होकर पढ़ रहा है,
और ये जो क्लासरूम है इसमें बच्चे पढ़ नहीं रहे, ऑफिस भी है यही, गोदाम भी है यही है स्कूल का। और हम लोग का सबसे बड़ा मतलब समस्या है कि यहाँ पे वॉशरूम नहीं है, मतलब शौचालय के लिए हम लोग को आसपास जाना पड़ता है। ये सिर्फ एक स्कूल की समस्या नहीं है बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शिक्षा के सीमित अवसरों की भी झलक है। इस हालात को सुधारने के लिए सरकारी और स्थानीय स्तर पर ठोस कदम उठाने जरूरी है। एक नए भवन का निर्माण, बेहतर कक्षाएं और बुनियादी सुविधाओं का सुधार ही इन बच्चों के भविष्य को संवार सकता है। लोकल 18 के लिए मधुबनी से गौरव झा की रिपोर्ट।